नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख को आखिरकार चुनाव आयोग ने बदल दिया है। अब पंजाब में 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी 2022 को मतदान होगा। संत रविदास जी की जयंती की वजह से लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए मांग की थी और साथ ही गुजारिश की गई थी कि मतदान की तारीख को एक हफ्ते आगे कर दिया जाए। बता दें कि इस मसले पर चुनाव आयोग ने एक अहम मीटिंग की थी। इस मीटिंग में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के पत्र पर मंथन किया गया था। सभी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती को देखते हुए मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग को अलग अलग पत्र लिखा था। बहुजन समाज पार्टी ने भी यह मांग उठाई थी। वहीं पत्र में लिखा गया है कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती का पावन पर्व होने के कारण राज्य का एक बड़ा वर्ग पहले ही वाराणसी जा सकता है। ऐसे में अगर राज्य में मतदान हुआ तो लोग वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। इसी वजह से चुनाव आयोग ने 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को चुनाव कराने का फैसला किया। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग ने तो सभी पार्टियों के सुझाव पर अमल कर लिया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कितनी अमल करती हैं। ਮਾਨਯੋਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਡੇਟ ਆਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 25 ਜਨਵਰੀ 2022 ਟਿਊਸਡੇ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆਫ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਟਿਊਸਡੇ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਡੇਟ ਆਫ ਸਕਰੂਟਨੀ 2 ਫਰਵਰੀ 2022 ਹੋਗਾ ਵੈਨਸਡੇ, ਔਰ ਡੇਟ ਆਫ ਵਿਥਡਰਾਲ ਹੈ 4 ਫਰਵਰੀ 2022 ਫਰਾਈਡੇ ਹੋਗਾ। ਡੇਟ ਆਫ ਪੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਸੰਡੇ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਜ ਯੂਜੁਅਲ ਹੈ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਥਰਸਡੇ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਨਾਰਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਡੇਟ 6 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਏ ਜਾਣੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਗਾ। तो पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख को आखिरकार चुनाव आयोग ने बदल दिया है। अब पंजाब में 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी 2022 को मतदान होगा। संत रविदास जयंती की वजह से लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसकी मांग की थी। गुजारिश की गई थी कि मतदान की तारीख को एक हफ्ते आगे कर दिया जाए। बता दें कि इस मसले पर चुनाव आयोग ने एक अहम मीटिंग की थी। इस मीटिंग में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के पत्र पर मंथन किया गया था।
सभी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती को देखते हुए मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग को अलग अलग पत्र लिखा था। बहुजन समाज पार्टी ने भी यह मांग उठाई थी। वहीं पत्रों में लिखा गया है कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती का पावन पर्व होने के कारण राज्य का एक बड़ा वर्ग पहले ही वाराणसी जा सकता है। ऐसे में अगर राज्य में मतदान हुआ तो वह लोग वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। इसी वजह से चुनाव आयोग ने 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को चुनाव कराने का फैसला किया। लगभग सभी राजनीतिक दलों की मांग पर चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीखों को बदल दिया है। अब पंजाब में 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को मतदान होगा। राजनीतिक दलों की मांग थी कि 14 फरवरी को संत रविदास जयंती की वजह से चुनाव आयोग मतदान की तारीख आगे बढ़ाए। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सोमवार को एक अहम बैठक बुलाई थी और मतदान की तारीख बदलने पर फैसला किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदान की तारीख एक सप्ताह आगे बढ़ाने का आग्रह किया था ताकि दलित समुदाय भी वोट डाल सके। चन्नी ने लिखा कि राज्य में इनकी संख्या 32% के आसपास है। यह समुदाय 16 फरवरी को श्री गुरु रविदास जयंती में भाग लेना चाहता है। इस अवसर पर 10 फरवरी से 16 फरवरी के बीच अनुयायी हर साल गुरु रविदास जयंती पर श्री गुरु महाराज की वाराणसी स्थित समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं। इस यात्रा के कारण वे वोट नहीं कर सकते। उन्होंने चुनाव की तारीख करीब 6 दिन आगे बढ़ाने की मांग की थी। पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, बीजेपी के पंजाब इकाई के महासचिव सुभाष शर्मा और आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रमुख भगवंत मान ने भी आयोग से मतदान की तारीख को एक हफ्ते आगे बढ़ाने की अपील की थी। एक साथ सभी दलों के चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई तो इसके पीछे की बड़ी वजह दलित वोट यानी कि पंजाब की दलित राजनीति भी मानी जा सकती है। लगभग सभी पार्टियों की नजर दलित वोट बैंक पर है और कोई भी पार्टी इसे गंवाने का जोखिम नहीं लेना चाहती। पंजाब में डेरा सचखंड बल्लन को रविदासिया अनुयायियों के सबसे बड़े डेरों में से एक माना जाता है। रविदासिया समुदाय पंजाब का सबसे बड़ा दलित समुदाय है। पंजाब के सीएम चन्नी मालवा के रहने वाले हैं और कहा जाता है कि वे रविदासिया उपजाति से ताल्लुक रखते हैं। अब बात पंजाब की दलित राजनीति के बारे में कर ले तो पंजाब की राजनीति दलित और किसान राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती है। राज्य के कुल 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें आरक्षित हैं। करीब 50 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर दलितों का वोट मायने रखता है। पंजाब की आबादी का लगभग 1/32 दलित है, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। हालांकि पंजाब में दलित हिंदू और सिख में बटे हुए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में दलितों में 39 उपजातियां हैं। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीन मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कुलदीप धारीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लकी संधू जी भी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं और अरविंद विद्रोही जी, राजनीतिक विश्लेषक सह वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अरविंद विद्रोही जी, शुरुआत हम आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, अभी जिस तरीके से पंजाब में चुनाव की तारीखों को बदल कर आगे बढ़ा दिया गया है, इसकी बड़ी वजह यही मानी जा रही है 16 तारीख को गुरु रविदास जी की जयंती है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो चुनाव आयोग के इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव आयोग का ये जो फैसला है, ये चुनाव आयोग के भी हालिया बयान, जब कोविड-19 के काल में चुनाव कराने को लेकर के चुनाव आयोग ने कहा था कि चूंकि सारे राजनीतिक दलों ने कहा, किसी ने आपत्ति नहीं किया कि चुनाव ना कराया जाए जी, तो चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है। और संत रविदास की जयंती पर सारे लोगों ने कहा कि उसको तिथि को बढ़ाया जाए आगे, तो चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया। दरअसल ये महत्वपूर्ण तारीखों का ध्यान चुनाव आयोग को पहले रखना चाहिए था। इतना संज्ञान जो है भारत की परंपरा पर, और रविदास जी ठीक है दलित समुदाय, रविदासिया समुदाय उनको वहां मानता हो, लेकिन केवल एक समुदाय के नहीं है, वो सबके, जो भी लोग उनको जानते हैं, मानते हैं, उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी प्रांत के हो, उनके प्रति आस्था रखते हैं। तो चुनाव आयोग को पहले से ये इन तारीखों का और सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि सारे राजनीतिक दलों को इस बात का ज्ञान हो गया कि चुनाव आयोग की तारीखें उस समय है जिस समय भक्त लोग जो है
जयंती के कार्यक्रम में जाएंगे, उसको उन्होंने पढ़ाने की अपील की। नहीं, बहुत बड़ा तबका वोट देने से वंचित हो जाता, बिल्कुल, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं झेलना पड़ता कांग्रेस को, क्योंकि एक तो सीएम चन्नी उसी समुदाय से आते हैं, ऐसे में इतना बड़ा वर्ग अगर वहां पर मौजूद नहीं रहता तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था पार्टी को। देखिए, यहाँ बात राजनीति, ठीक है, राजनीति की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान होता, चन्नी जी को होता, अमरिंदर सिंह को होता, इसकी बात नहीं है। सवाल ये है कि जनता के लिए लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है और जनता अपने गुरु को, अपने गुरु के जन्मदिन को, उनकी पवित्र तारीख को सेलिब्रेट करने के लिए निकलेगी। लोकतंत्र भी हमारे लिए पर्व है, तो तारीखों का टकराव नहीं होना चाहिए। चुनाव की तारीखें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन गुरु के जन्मदिन को कैसे हम बदल देंगे? तो चुनाव आयोग को गंभीरता से इन सारी बातों का पहले से ध्यान रखना चाहिए। और ठीक है, कांग्रेस को, भाजपा को, अकाली दल को, सबको समझ में आ गया कि 14 तारीख बढ़वानी चाहिए। इतनी कम से कम उनको समझ आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी भी COVID-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन सारे राजनीतिक लोग करें, क्योंकि जनता का ही तो उसमें है, आम जनता का ही तो। आपको तो सत्ता मिलेगी, आप एमएलए बन जाओगे, आप मिनिस्टर बनोगे, लेकिन बीमारी तो आम आदमी को फैल जाएगी। तो बीमारी को बचाते हुए आप चुनाव का प्रचार करिए, ये भी करना चाहिए राजनीतिक दलों को अपने आप। चलिए, कुलदीप धारीवाल जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की बात इसलिए कही क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि वो चुनाव हारने वाले हैं? देखिए, चुनाव हारने वाले वो एक अलग बात है, क्योंकि ये राजनीतिक टिप्पणी है, उसका गुरु रविदास जी की जो जयंती है उसका एक अलग परिप्रेक्ष्य देखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव आयोग के सामने जो है विनती की है कि हमारे जो गुरु रविदास जी की जो वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है और गुरु रविदास जी को पूर्ण जो पंजाब है वो मानता है। तो वो वाराणसी में बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, यूपी में उस समय मनाने के लिए जाते हैं। तो अगर तरीके वही रहती है तो कहीं ना कहीं जो है मतदान कम होने की आशंका है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी जो चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा था, दूसरी पार्टियों ने भी लिखा था, और चुनाव आयोग ने बैठक करके इस पर फैसला लिया, वो स्वागत योग है और भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। तो आप अपने नेताओं को बताते नहीं है क्या कि पत्र आपके द्वारा भी लिखा गया है? क्योंकि ये जो मैं बयान बोल रही हूँ वो आज ही का है, चुनाव आयोग के फैसला आने से पहले अनिल विज ने ये बड़ा बयान दिया। नहीं, देखिए, मैं पहले भी कहूँ कि एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक टिप्पणी करना सभी राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है, और वो हरियाणा के कांग्रेस अपना भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो अपने हिसाब से जो भी कर रहे हैं वो उनको देखना है, उनको जवाब देना है। लेकिन पंजाब में जो पंजाब भारतीय जनता पार्टी ने पत्र लिखा था और उसके ऊपर चुनाव आयोग ने जो है ये फैसला लिया है, स्वागत योग है। चलिए, लकी संधु जी, आपका रुख कर लेते हैं, चुनाव आयोग के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं आप? वैसे तो सीएम चन्नी भी इस फैसले का स्वागत कर चुके हैं। हम जो है जी, पहले जो 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 फैसला है बड़ा ही श्लाघा जो फैसला है हमारे सीएम चन्नी जी, क्योंकि वो आप खुद दलित वर्ग से संबंध रखते हैं, तो इसमें बिल्कुल जो बात है बिल्कुल सही है कि बहुत ज्यादा जो हमारे वर्ग में जो लोग हैं वो उस टाइम यूपी में जाते हैं नहाने के लिए। तो ये कोई अच्छा फैसला है जो हम जो इन्होंने किया, बीजेपी सरकार ने, को पहली बार मैंने तो जिंदगी में देखा कोई अच्छा फैसला। मैं कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है कि जो वोट है वोट तो दो चार दिन लेट भी हो सकते हैं, पर जो हमारा जो इसका जो जन्मदिन है ये इसको नहीं किया जा सकता आगे पीछे, ठीक है, जो इसको नहीं बदला जा सकता। कांग्रेस स्वागत करती है, तो हम भी इस चीज की जो अच्छा काम किया उसकी सलाहा करनी चाहिए। अगर बीजेपी ने जिंदगी में कोई पहली बार कोई सही फैसला लिया है तो कांग्रेस पार्टी भी इसका जो है स्वागत करती है। चलिए, अब अरविंद जी, चर्चा को मैं एंगल ये देना चाहूंगी कि जब बात धर्म की होती है और सभी राजनीतिक दल इकट्ठे हो जाते हैं तो चुनाव की तारीखें भी आगे पीछे हो जाती हैं,
लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जिंदगियों से ज्यादा आज भी धर्म हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। कोविड काल में पिछली बार भी कितने राज्यों में चुनाव करवा दिए गए और उसके बाद लोगों की मौत भी हुई कोविड के कारण, लेकिन चुनावों की तारीखें आगे पीछे करवाने पर कोई भी सहमत नहीं हुआ और उसी स्थिति में हम आज भी हैं। कोविड की तीसरी लहर आ चुकी है, रोजाना कितनी संख्या में केस आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात पर चर्चा नहीं की कि क्या हम चुनावों की तारीखें आगे पीछे नहीं कर सकते। और इस प्रश्न को लेकर के मैं लगातार लिख भी रहा हूँ, जब भी मौका मिलता है आपके यहाँ भी डिबेट में इसको मैं बोल चुका हूँ कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र और जनतंत्र का क्या मतलब है? केवल सत्ता पाना, एमपी एमएलए बनना नहीं, लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप है जनता का प्रतिनिधित्व और जनता के हित के लिए चुनाव। जिस तरह जनता की भावना अपने गुरु के जन्मदिन को, गुरु के पर्व को मनाने के, गुरु की किसी भी आस्था के दिवस को मनाने की होती है, जिसके कारण हम चुनाव टालने के लिए सारे लोग पंजाब में लिखते हैं और इसकी सराहना पंजाब ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। रविदास जी के प्रति सबकी आस्था है, सबको उन्होंने अच्छे संदेश दिए हैं, जीवन शैली के संदेश दिए हैं, लेकिन क्या उसी उन्हीं गुरु की वाणी में ये नहीं है कि आपस में एकता रखो और जो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जो जिंदगी जी है उसकी देखभाल करिए अच्छे से। आज वैश्विक महामारी का जो दौर चल रहा है, क्या उसमें चुनाव होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। चुनाव बहुत से राष्ट्रों ने अपने यहाँ चुनाव को टाला है, आगे बढ़ाया है। अच्छा, चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर भी कर दिया, तो जो पाबंदियां लगाई, जो डायरेक्शन दिए, जो इंस्ट्रक्शन दिए, उसका पालन भी नहीं कर रहे हैं लोग। और तुर्रा ये कि हम जनता के हित का काम करेंगे, जनता का दावा देंगे। अब देखिए, गुरु पर्व के कारण, संत रविदास जी की जयंती के कारण पंजाब में सारे लोगों ने लिखा कि बढ़ाया जाए, बढ़ गया। और हरियाणा के ही एक साथी अनिल वीर जी, वो कई मामलों में बहुत बढ़िया बोलते हैं, मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूं। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए इसी तरह उत्तर प्रदेश हो कि अभी सरकार भाजपा कहने बढ़ा रहे तो विपक्षी कहने लगे योगी हार रहे ये बढ़ा रहे। नहीं, वास्तव में अभी भी समय है, चेंज जाइए, या तो कोविड 19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव लड़िए, नहीं तो चुनाव आयोग को लिख के दीजिए, चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और चुनाव को एक महीने के लिए बढ़ा दे, पूरे कंप्लीट चुनाव को। एक महीने में पीक की स्थिति बढ़ती जाएगी, अगर एक महीना हम कम निकलेंगे, कम घूमेंगे, कम जनसंपर्क होगा, इस तो ये संक्रमण इसका थम जाएगा, रुक जाएगा। ये भी काज समझ में आ जाता है राजनीतिक दलों को, चुनाव तो होंगे ही, चुनाव आज एक महीना बाद हो जाएंगे, लेकिन जनता के स्वास्थ्य की हिफाजत होगी। जन स्वास्थ्य की कीमत पर सत्ता पाने का जो राजनीतिक दलों का खेल है, ये नर बलि, सामूहिक नर बलि लेने का है, ये जनता के हित का लोकतंत्र नहीं है, ये जनता से स्वास्थ्य खिलवाड़ करने का लोकतंत्र है, जिसकी परिकल्पना संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ना की थी, ना हमारे किसी धार्मिक गुरुओं ने किया था। बिल्कुल सर, और इस मसले पर कोई भी एकजुट नहीं होगा। अगर अभी भी सुझाव लिए जाएं तो ज्यादातर पार्टियां यही कहेंगी कि नहीं, चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन वही बात है कि धर्म की आड़ में किस तरह की राजनीति देश में हो रही है ये सब जानते हैं, भले ही खुलकर कोई इस बारे में बात करे या ना करे। कुलदीप धारीवाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। सर, अभी अनिल विज ने जो बयान दे दिया सो तो दे दिया, लेकिन सवाल तो बनता ही है ना कि आखिर हमारे लिए धार्मिक भावनाएं जन स्वास्थ्य से ऊपर कैसे हो सकती हैं? क्या कोविड के प्रोटोकॉल का हर कोई पालन कर रहा है? रोजाना FIR दर्ज हम होते हुए देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में ही कि किस तरीके से रैलियां हो जाती हैं या फिर जनसभाएं होती हैं, स्वागत होता है। यहां पर देखिए, बिक्रम सिंह मजीठिया पर केस दर्ज किया गया, पंजाब की हम बात कर ले तो कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं। देखिए, वो आप प्रश्न कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जो कोविड की पालना के जो नियम बने हैं उसका सख्ती से पालन होना चाहिए, और जहां कहीं भी पालन नहीं हो रहा है चुनाव आयोग उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं और पर्चे भी दर्ज हो रहे हैं। और इसके मेरे खुद का जो मत है, मैं वो कहना चाहता हूँ इसमें कि चुनाव कोविड की जितनी भी गाइडलाइंस बनाई है गवर्नमेंट ने, उनका पालन करते हुए लड़ना चाहिए। वो हम लोग खुद अपनी जिम्मेवारी से उसका पालन कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। और जो हमारे धार्मिक त्योहार भी है, जैसे अभी गुरु रविदास जी की जयंती की बात आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, वो त्योहार पे लोगों ने तो जाना ही है, वहां भी वो कोविड की जो इंस्ट्रक्शंस है उसकी पालना करेंगे। तो हमें बजाय डेटे बढ़ाने के इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि कोविड की पालना सख्ती से कैसे हो, और अगर नहीं हो पा रही, जो लोग उसके लिए जिम्मेवार है उनको
जो किया जाए उनके ऊपर कार्रवाई हो। हमारे देश की जनता अपने राजनेताओं को देखती है, नजीर उन्हीं के साथ पेश की जाती है। अब वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आप देख लीजिए राजनेता कितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर पाते हैं। हर चीज के लिए जनता पर डाल देना कि उन्हें समझना चाहिए, उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए, कितना सही है। जिन्हें नजीर पेश करनी है, जो खुद कानून बना रहे हैं, वो कितना पालन कर पा रहे हैं सर? मैं जो राजनेता अगर नहीं पाते और उनपे कार्रवाई भी हो रही है, और जब कार्रवाई होती है तो उनको शर्मिंदा भी होना पड़ता है, और यही मेरे ख्याल से एक सलीका है। इससे अच्छा हम किसी को हम फांसी तो चढ़ा नहीं सकते। इसी तरीके से अगर कोई आदमी नहीं पालना करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। चलिए ठीक है, लकी संधू जी ये कह देना कि अभी इतना पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है, हम देख पा रहे हैं कि लोगों की मौत कम हो रही है, तो ये कोविड से बचने के लिए क्या ठीक है? बिल्कुल कि चलिए अभी इतना पैनिक मत होइए क्योंकि लोग कम मर रहे हैं। ये किसने लिखकर दे दिया कि आने वाले समय में डेथ नहीं होंगी या फिर ये जो रेशो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है? देखो पहले तो हम ये कामना करते हैं कि जो भगवान इस चीज से हमको सभी देशवासियों को इस चीज से निजात दिलाए। और दूसरा जो है मैं इसमें ये चाहता हूँ कि जब भाजपा रैलियां कर रही है बड़ी बड़ी, जब मोदी जी पंजाब आते हैं तब इनका आ जाता है। मेरे को बताइए जब ये बोलते हैं हम 5 लाख का पास करेंगे और वहां पर 5 फिर कहाँ जाते हैं, तब इनके लीडर कहाँ ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको फॉलो करते हैं। और मैं इसमें जरूर आपको ये विश्वास है, मैं सरकार सहमत हूँ कि जो कोविड जो भी इलेक्शन है ये समय पे होना चाहिए, पर इसको जो है पूरा कोविड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करके प्रॉपर करना चाहिए। इसमें जो रैलीस हैं या जो भी है इसको बंद करना चाहिए। ये मैं जरूर अपने भाजपा वाले साथियों से पूछता हूँ, इनके वहां पर विज जी का बयान कुछ आता है, इनकी पार्टी बयान कुछ देती है, और जब मैं इनसे जरूर ये बात करना चाहता हूँ मोदी जी पंजाब में आते हैं तो कोविड वहां तब कहां चला जाता है, तब ये क्यों नहीं उस चीज का ध्यान रखते, तब कैसे इन्होंने कोविड की जो वहां पर धज्जियां उड़ाई हैं, तो इन किसके बारे में मेरे को जरूर बताओ। मैं रिलेट ये करना चाह रही थी सर कि गुरु रविदास जी की जयंती है, वाकई में बहुत अच्छी बात है, एक पर्व की तरह है ये। उसके लिए अगर चुनाव आयोग तारीखें बढ़ा सकता है क्योंकि तमाम राजनीतिक दल एकजुट हो गए थे, लेकिन कोविड के टाइम पर तमाम राजनीतिक दल एकजुट क्यों नहीं हो पाए? किसी ने ये सुझाव क्यों नहीं दिया कि नहीं आप या तो चुनावों को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए जब कोविड अपने पीक से हट जाए? धार्मिक भावनाएं ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है बजाय जन स्वास्थ्य के। ये बेनती करता हूँ कि कोविड का अगर हम इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करूंगी क्या पता आगे जाके और ज्यादा कोविड बढ़ जाए। ठीक है जी, इलेक्शंस तो कराने ही है, इलेक्शंस तो होने ही। तो मेरी ये बेनती है जो इलेक्शन है वो टाइम पे होने चाहिए, पर इसमें जो है सख्ती से जो भी कोविड की जो पालना है उसको सभी को जो है फॉलो करना चाहिए, और फॉलो करके जो इलेक्शन है वो टाइम पे ही होने चाहिए, क्योंकि कोविड का कुछ नहीं मालूम है। आगे जाके हो सकता है कि इसमें डेथ रेशियो बढ़ जाए या हो सकता है कोविड बढ़ जाए, तो मेरे हिसाब से जो इलेक्शन है वो टाइम में होनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बीजेपी है ये प्रोपोगंडा कर भी सकती है, क्योंकि पंजाब में आपने देखा है किस तरह से जो बीजेपी है इसको लोग नकार रहे हैं। इन्होंने जो हमारे वहां पर 800 किसान शहीद हो गए हैं उनका जो है दुख है किसानों में बहुत ज्यादा। तो हम ये जो इलेक्शन है हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, पर इसकी जो मैं इसमें दोबारा से फिर आपसे बोलना चाहता हूँ जो इलेक्शन है वो पूरी उसकी जो कोविड है उसकी जरूर पालना करके होनी चाहिए। चलिए अरविंद विद्रोही जी, आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, लेकिन ये जवाब कोई नहीं दे रहा है कि कौन करेगा, कैसे करेगा और किस तरीके से होगा। मैं कोविड-19 के इस संक्रमण काल में जो डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट चल रहा है विदेशों में, इजराइल जैसे संपन्न में फ्लू के साथ बन करके नया वेरिएंट फ्लोरोना हो गया है, और अभी साथी लोग कह रहे थे कि इतना खतरनाक नहीं है, WHO की ही गाइडलाइन से पूरे विश्व की सरकारें काम कर रही है, WHO रेगुलर कह रहा है कि अभी ये कम खतरनाक है, अभी के डाटा के अनुसार अगर ये नए नए बॉडीज में जाएगा, हमारे में जो कोविड की डोजेस लग चुकी है कोविशील्ड की और कोवैक्सीन की इंडिया में, अगर ये इसमें आ करके पनपता रहेगा और नया म्यूटेट होकर नया वेरिएंट आएगा तो स्थिति खतरनाक होगी। इसको इसका तोड़ सिंपल सा रहता है कि आप जब ये फैले तो कम से कम लोगों के बीच में आप जाइए, आर्थिक जगत ना रुके, हमारी आर्थिक परेशानी ना बढ़े और हमारा आस्था भी चलती रहे। ये बहुत संभव था, हो सकता था,
लेकिन चुनाव बिल्कुल समय पर हो ये नहीं है। चुनाव में व्यवस्था है संविधान में, 6 महीना तक हम चुनाव एक बार टाल सकते हैं, फिर 6 महीना टाल सकते हैं। अभी टला ना, 6-7 दिन बाद चुनाव होगा, 14 को होना था, 20 को होगा, तो हो सकता था। और COVID-19 का शिकार देख लीजिए, अभी जितने बड़े नेता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस के, प्रियंका जी के भी करीबी हो चुके, नितिन गडकरी जी भी हो चुके जी, भाजपा के बड़े नेता है जेपी नड्डा जी भी हो चुके, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की पत्नी हो चुकी परिवार के, फिल्म जगत के लोग हो गए, लेकिन इनका चर्चा होता या दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए हुए फिर घूम रहे हैं। तो किसको किसको, हमारा लीडर जो है, हमारा नेता जो है, राजनेता जो है, वो COVID-19 का संक्रमित हो रहा घूम रहा। और एक ट्वीट आप कर दे रहे, मेरे संपर्क में आए लोग अपना जांच करा ले। और इसकी जो WHO ने स्पष्ट बताया है कि इसके आगे क्रोनिक डिजीज के रूप में भी ये बढ़ सकता है, इसलिए इससे इफेक्ट होने से बचिए। तो जब नेता खुद संक्रमित हो गए, ये ट्वीट आप कर दे रहे हैं, तो पॉलिटिकल वर्कर जितने भी हैं उनसे हाथ जोड़ के बनती है कि अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपने लिए आप रैलियों में जाइए तो मास्क लगाए रहिए, हाथ सैनिटाइज करिए और नेता से दूर से नमस्ते करिए, गले न लगिए, क्योंकि आप अपने साथ राजनीतिक कोई पता नहीं कुर्सी ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, लेकिन संक्रमण लेके अपने घर में अपने बच्चों के, अपने बहन को, अपने बेटी को, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी पत्नी को या अपने दोस्तों में बांट जरूर देंगे। इनको मिलता है, इनका बड़ा घर है, ये अपने को आइसोलेट कर रहे। हमारे आपके घरों में ज्यादातर लोगों के घरों में 3 कमरे हैं, तो उसमें अगर 3 लोग उम्मीद की जाए कि वो तमाम नियमों का पालन करें, वो एकदम कोविड प्रोटोकॉल का जो बिहेवियर है उसे अपना कर रखें। अब बात कर लेते हैं पंजाब में दलित वोट बैंक की। अभी तक का जो सियासी समीकरण रहा है पंजाब में दलित वोट बैंक का, अरविंद जी, वो ये कहता रहा है कि आज तक भी इस समुदाय ने किसी एक दल को बिल्कुल एक पर्टिकुलर कभी समर्थन नहीं दिया कि वो किसी एक दल के साथ ही जा रहा है या किसी एक पार्टी के साथ ही जा रहा है, मिला जुला और या यूं कहें कि ये वोट बैंक कमीशन से बटा रहा है। लेकिन देखिए, लेकिन इसमें अभी जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी, उनका व्यक्तिगत प्रभाव मानना पड़ेगा है, क्योंकि कांग्रेस ने जब उनको टिकट देने लायक भी नहीं समझा था तो निर्दलीय जीत के आए थे, और उनका जो व्यक्तिगत प्रभाव का उनके घर के आसपास का क्षेत्र है वहां ही कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी घुसपैठ की थी और देश के स्तर पर या कांशीराम जी के प्रभाव के कारण बसपा भी है, तो बटा तो रहा है। लेकिन इस चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी के फेस का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, बशर्ते सिद्धू लगातार डेंट न करते रहे। सिद्धू ने कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया है, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा पुराना कांग्रेसी जो कांग्रेस के एक आधार स्तंभ थे, पूरे देश में लोग जानते थे कि पंजाब वो किला जो भाजपा हिला नहीं पाई, उसको भाजपा नहीं हिला पाई, लेकिन उसको जो है उसके मजबूत पिलर को कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू ने जो है अपने बड़बोलेपन से धराशायी कर दिया। और वो जिस तरह चरणजीत सिंह चन्नी और वर्तमान सरकार को भी ठेस पहुंचा रहे हैं वो कांग्रेस के लिए नहीं ठीक है। चन्नी अपने में लोकप्रिय है दलितों के बीच में भी और नया फेस है, उनकी सादगी अभी विभिन्न इंटरव्यू में भी आ रही है, तो लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर सिद्धू बड़ा नुकसान कर रहे हैं उनका। चलिए लकी संधू जी, आपको भी ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ा नुकसान कर रहे हैं? अगर वो इसी तरीके से रवैया अपनाते रहे तो आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ सकती हैं आप लोगों के लिए। पहले तो ये खुद ही मान रहे हैं कि जो दलित वर्ग है इस बार सभी पार्टियों को छोड़ के कांग्रेस की मदद कर रहा है, क्योंकि चन्नी जी ने जो ऐतिहासिक काम 111 दिनों में किए हैं वो शायद इतिहास में कभी हुए हो। तो चन्नी जी ने जो ऐतिहासिक फैसले किए, आज सबसे सस्ती जो बिजली है वो पंजाब में है, सबसे जो सस्ता डीजल है वो पंजाब में है, सबसे सस्ता पेट्रोल है वो पंजाब में है, ठीक है जी। और जो लाल कीर के अंदर मकान थे उनकी जो मालकी दे दी है चन्नी जी ने, ठीक है जी। और सिद्धू जी और चन्नी की जो बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी एकजुट है, जो हमने अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नहीं काम कर रहे थे तो सिद्धू जी ने बहुत अच्छे से उस बात को जो है हाईकमांड से पेश किया है, और हमने तभी हाईकमांड ने जो है कैप्टन साहब नहीं अच्छा काम कर रहे तो उनकी छुट्टी की है, जो हमारा निकाला हुआ हमसे बाहर जो किया हुआ हमने जो आदमी है, अब ये उनको लेके इनको लगता है भाजपा को शायद इनकी कोई बात बन जाएगी,
मैं आपको ये गारंटी के साथ बताता हूँ कि भाजपा की पंजाब में 2-3 सीटें भी नहीं आएंगी। हमारे 800 किसानों की मौत के जो जिम्मेदार हैं, लखीमपुर खीरी में जो आपने देखा है इनके गुंडों ने कैसे वहां पर तबाही मचाई, हमारे निहत्थे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई हैं, तो हमारी यहां पर पार्टी बिल्कुल एकजुट है। आप देखना आगे वाले समय में जाके सिद्धू जी और चन्नी जी एक साथ पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और 85 सीटों से ज्यादा ऊपर लाके कांग्रेस पार्टी की दोबारा जो है सरकार बनने जा रही है। वो जो खुद मार रहे हैं कि चन्नी जी जो इतने लोकप्रिय हैं, उन्होंने इतने काम किए हैं, तो इनका बहुत अच्छी बात है, जो ये बात है इस बात को मानने के लिए तैयार है। जो आज दलित वोट है तो वो सारा कांग्रेस पार्टी की तरफ गुप्तेगा। अच्छा ठीक है, कुलजीत जी, कुलदीप जी, माफ कीजिएगा कुलदीप जी, देखिए 2012 तक ये माना जा रहा था कि दलित मतदाताओं का जो रुझान है या जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है, लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी की प्रवेश हुआ राज्य में और फिर से ये मतदाता विभाजित हो गए चार दलों में। देखिए, मैं पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे अभी उनकी बात का मैं जवाब दे दूं। पहले तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली के ऊपर बात की, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, क्या आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को रास्ते में इसलिए रोका कि क्या पंजाब में कोविड ना बढ़ जाए? मतलब आपने जो है सारे देश की जो सिक्योरिटी है वो दाव के ऊपर लगा दी और सारी बसें रास्तों पर रोक दी हमारे वर्करों की। हम धरने लगाकर प्रदर्शन करके बसें रैली के पंडाल तक पहुंचे उस दिन और उनको लहू लुहान किया, लाठियां चलाई, और वो इसलिए चलाई कि कोविड ना हो जाए। चलो अच्छी बात है, जो आप जैसा सोचते हो, आपने 42,750 करोड़ का पैकेज उस दिन पंजाब में नहीं आने दिया, इसका जवाब पंजाब की जनता देगी। वो अभी जो कह रहे हैं कि 3 सीटें नहीं आने वाली, मेरे को लगता है कि इनको सिद्धू साहब ने 3 सीटें इनको नहीं जीतने देनी, क्योंकि सिद्धू साहब ने बोला है कि आगे आगे अलीबाबा पीछे चोरों की बारात, और ये चन्नी साहब के लिए बोला है, मैंने नहीं बोला, सिद्धू साहब ने बोला। और उसी कैबिनेट के ऊपर इल्जाम लगाए थे सिद्धू साहब ने, उन सभी को दोबारा टिकट दे दी, रेत माफिया को, जो SC स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स की वजीफा खा गए थे उनको, जिनके ऊपर बड़े बड़े इल्जाम है सभी को टिकट दे दी दोबारा। तो फिर चोरों की बारात तो वापस आ गई, अली बाबा क्या करेगा, सिद्धू साहब क्या करेंगे? तो सारे इल्जाम इन्होंने लगाए, हमने नहीं लगाए, विरोधियों ने कुछ नहीं बोला, ये अपने आप ही इनको ये अपना घर संभाले, दूसरे के ऊपर लांछन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही हमारी 3 सीटों या काली कुर्सियों की तरफ देखने की जरूरत है, हमारी कुर्सियां खुद ब खुद भर जाएगी, अपना घर को संभाल लेंगे लोग। अपना घर तो वो संभाल ही रहे हैं सर, और ये तो इतनी अच्छी उन्होंने यहाँ पर कदम रखा, पहल की है कि गुरु रविदास जी की जयंती को लेकर उन्होंने ये बड़ा पत्र लिख दिया, उसके बाद फिर सभी राजनीतिक दलों को लगा होगा कि अब अकेले यही क्यों इसका फायदा उठाएं, इसलिए धीरे धीरे सब इसमें कूद पड़े। ऐसा नहीं है कि वो चन्नी साहब ने पहल की और सभी इसमें कूद पड़े, वो सभी ने ही इसके ऊपर जो है पहले ही संज्ञान लिया था, थोड़ा सा चन्नी साहब को पहले भनक लगी, उन्होंने थोड़ा पहले कर दिया, ये पहले ही बात हो चुकी थी। अच्छा। इसके ऊपर जो है चुनाव आयोग को पत्र लिखना है। चलिए, और अभी जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका जवाब अभी तक मिला नहीं, 2012 तक आपकी तरफ रुझान बढ़ रहा था इस समुदाय का, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री होने से पंजाब में एक बार फिर से ये समुदाय बढ़ गया है। नहीं है, दलित मुख्यमंत्री की बात भाजपा ने की और हमारी बात से डरकर अकाली दल ने डिप्टी सीएम की बात की और कांग्रेस ने अपना सीएम बदला, ये पैक हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने की दलित सीएम होना चाहिए। कांग्रेस ने जब सीएम बदला तब तक तो इस तरह की कोई बात भी आप लोगों के द्वारा नहीं की गई थी सर, आप थोड़ा ढंग से याद कीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जाना और उसके बाद सीएम चन्नी का आना, इस बीच में आपने कब इस तरह का कोई बयान दिया? है, थोड़ा ध्यान से पीछे से इतिहास को दोबारा से पढ़े, बताइए ना सर, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, मैं इस बीच का घटनाक्रम जानना चाह रही हूँ, पंजाब में कैप्टन का जाना और चन्नी का आना, इस बीच में आपकी तरफ से ऐसी कौन सी पहल कर दी गई या कौन सा बयान दिया गया? सीएम अनाउंस कर दिया था और डिप्टी सीएम उन्होंने इसीलिए अनाउंस किया था क्योंकि भाजपा ने पहले ही कह दिया था कि इस बार भाजपा की तरफ से जो हमारे सीएम है वो दलित समुदाय से होंगे।
और उसके बाद ही ये सारा समीकरण पलटा है। हम तो पहले से इस तरफ मल्ला मारा तो फोकस था, वही इन लोगों ने तो हमें फॉलो किया है। अच्छा, अरविंद विद्रोही जी का एक बार रुक कर लेते हैं। अरविंद विद्रोही जी, जिस तरह की ये जानकारी दे रहे हैं, मुझे इनकी जानकारी पे विश्वास हो नहीं पा रहा है। वैसे दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से पुख्ता होनी चाहिए। अगर इस तरह का पहल कर रहे थे तो चलिए पहल का स्वागत होना चाहिए कि एक अच्छी मांग जो आपकी थी उन्होंने पूरा किया। लेकिन देखिए, कांग्रेस के साथियों को एक समझना पड़ेगा, पंजाब जो है हमारा देश का एक अभिन्न अंग है। पंजाब का स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान था। लाला लाजपत राय हो या कायदे आजम भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, इनके योगदान को कोई नहीं भूला है। और आज की पंजाब जो है देश का अभिन्न अंग, उसका बड़ा योगदान स्वतंत्रता संग्राम में भी पहले रहा, अभी भी है। इस गंभीरता को जो है सबको समझना चाहिए। और पंजाब ऐसी धरती है जिसने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा बलिदान किया है। पंजाब जो है शहीद हुए, उनका बलिदान हुआ बेद सिंह जी का। साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेता, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, वहां मंत्री भी रहे, उनके ऊपर न जाने कितने बार 2 दर्जन लगभग हमला हुआ है। तो सुरक्षा के मुद्दों पर कम से कम पंजाब के सारे राजनीतिक दलों को गंभीर होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि राजनीति में कोई पद हासिल करने के लिए पंजाब की सुरक्षा देश की सुरक्षा और देश के नेताओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो। कांग्रेस के लोगों को कम से कम कांग्रेस की जो अध्यक्षता प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी, उनके विचारों को सुनना समझना चाहिए देश के लिए। उनका उनका भी बलिदान हुआ। बहुत इस देश में आजादी के बाद अब तक बहुत दुख हम लोगों ने सहा है। कभी हमारी आत्मा को ठेस पहुंचा है, कभी हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा है, कभी हम रोए हैं। लेकिन हमसे आगे बढ़ के अपने को ठीक करते हुए, अच्छे बढ़ते हुए, बहुत एक भारत के उस भारत को हम निर्माण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं जिसको लाला लाजपत राय, भगत सिंह, उसके पहले करतार सिंह सराभा, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर लोहिया, असंख्य लोगों ने योगदान किया है। तो ये इस राजनीति की गंभीरता को सिद्धू जैसे लोग, मैं क्यों कह सिद्धू जैसे लोग जो हर चीज में मिमिक्री और विदूषक का काम करते हैं, ऐसे लोगों को पंजाब की लीडरशिप पता नहीं कैसे राहुल गांधी जी ने कर लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जम्मे जमाए नेता थे, पुराने नेता थे कांग्रेस के, उस किले को मैं दोहरा रहा हूँ, हाथ नहीं तोड़ पा रही थी, वहां से वो जीत के आए थे। नहीं, लेकिन अब बात यह है ना सर, वो जमे जमाए जो नेता हैं उनका कितना तो जनाधार है, ये तो अब इन चुनावों में पता लग जाएगा। क्योंकि अब वो चले गए हैं, गठबंधन उन्होंने किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर वाकई में इतना उनका अच्छा जनाधार रहा होगा तो उसका फायदा तो मिलना चाहिए ना इन्हें। पल्लवी जी, देखिए जनाधार की बात अलग है कि कैप्टन का इतने साल रहने के बाद अभी जनाधार क्या है। मैं बात दूसरी कर रहा हूँ। मैं बात ये कह रहा हूँ कि जो आदमी कांग्रेस में इतने समय तक था वो गया सिद्धू के कारण, सिद्धू के, और सिद्धू अभी जो अब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपने नहीं बनाया ना, ना भाजपा ने बनाया, चंदी को बनाया, तो उस पर भी वो लगातार हमलावर है। तो ये कौन सा राजनीति है सिद्धू की कि जो या तो वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं पंजाब, महत्वाकांक्षा कुछ ना कुछ होगी। हाँ, बस ये कि उनको मुख्यमंत्री खुद के लिए चाहिए, पंजाब के बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, चन्नी नहीं है, कोई और नहीं है, केवल सिद्धू को बना दीजिए। सिद्धू का ये पंजाब के हित का नहीं है, ये सिद्धू का हित हो सकता है, नए कांग्रेस का हित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लकी संधु जी, आवाज मिल रही है आपको? लकी संधु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? संधु साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लीजिए। कुलदीप धारीवाल जी, ये बात कहीं ना कहीं सही भी है सर, कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो महत्वाकांक्षा है वो रह रहकर सामने आई है। जब वो आपके साथ थे तब भी उनकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं थी, उसके बाद वो आपका साथ छोड़कर कांग्रेस में चले गए तो तब तो उनकी महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। कुलदीप जी देखिए, सिद्धू साहब हमारे साथ थे, महत्वाकांक्षा उनकी जहां तक मर्जी जाती लेकिन राष्ट्र विरोध में कभी नहीं जाती। बिल्कुल। लेकिन जब वो कांग्रेस में गए तो सबसे पहले कहाँ गए, ये आपके दर्शकों को मैं बता दूं, सबसे पहले बाजवा के साथ जप्पी डाली उन्होंने और फिर उसको जस्टिफाई किया
कि मैंने तो इसलिए जफ्फी डाली भाई क्योंकि मैं करतार, उन्होंने बताया कि मैं करतारपुर का हम लांगा खोलने वाले हैं। अरे भाई उसके ऊपर तो दो सरकारें बात कर रही हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है, वो पहले वो अभी अनाउंस करना था दोनों सरकारों ने, सिद्धू साहब ने वहां अनाउंस कर कर क्रेडिट लेने की होड़ में हमारे देश के गद्दारों के साथ जफ्फी डाली जिनको देश पहले ही घुटनों पर ला चुका था। और अगर सिद्धू साहब ने जफ्फी डालकर ये कृत्य ना किया गया होता तो वो घुटनों पे आकर करतारपुर का लांगा खोल दे। ये उन्होंने हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा से देश को ताक पर रखा। अभी क्या किया, माननीय प्रधानमंत्री रैली के लिए आ रहे हैं, अरे भाई कुर्सियां खाली हैं, ये है वो हमारी खाली कुर्सियों, हम लोग पूरी बारिश में सड़कों पे पुलिस के साथ लड़कर लाठियां खाकर रैली की तरफ जा रहे थे। तो माननीय प्रधानमंत्री के लिए हमारे दिल बहुत, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो हमारी खाली कुर्सियों को भी एक्सेप्ट कर लेते, आप उनको पहुंचने तो देते। आपने जो 42,750 करोड़ रुपया पंजाब में आने नहीं दिया अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, आप क्या दे दोगे? अगर हम सिद्धू को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दें, क्या सिद्धू 5 साल में ये 50,000 करोड़ रुपया कमाकर दे देंगे पंजाब को? नहीं दे पाएंगे। उसके ऊपर जो है देश की जो सिक्योरिटी उन्होंने ताक पर लगाई है, वो जो पुल था पुल बिल्कुल पाकिस्तानी रेंजरों में की उसकी रेंज में था। तो इतनी बड़ी बिपिन रावत जी के बाद इतनी बड़ी दुर्घटना जो है वो देश सहने योग्य नहीं था। तो इतना इन्होंने इतनी बड़ा पाप किया है सिद्धू साहब ने अपनी महत्वाकांक्षा में, जो इनको मतलब इटली से एक बनके आ जाता था, वो इटली में बैठे हुए थे तब राजकुमार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वहां से एक टूल किट आ जाती, सभी प्रवक्ता एक ही बात बोलते हैं इनके, वो 700 कुर्सियां थी, 7,000 लगाई हुई थी, 700, अरे भाई आप खुद बोल रहे हो कि हमने 10,000 मुलाजम लगाए हुए थे, अगर हमारे कार्यकर्ता 700 थे तो आपके 10,000 मुलाजम थे, फिर तो 10,700 लोग तो थे वहां पर, मतलब कोई गणित तो अच्छे से कर लो। वो भी इनसे करना नहीं आता क्योंकि वहां से टूल किट आई है, जो टूल किट वहां से आ गई इनके फूल लोग जो है वो बैठ कर टीवी पे परोस रहे हैं लोगों को। सिद्धू साहब की महत्वाकांक्षा अब देशद्रोही हो चुकी है और देशद्रोह करते हैं वो। मैं आपके दर्शकों को कहने से वो अपनी ही पार्टी के सीएम के खिलाफ जाकर खड़े हो जाते हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? एक तरफ आप रविदास जयंती के लिए चुनावों की तारीख आगे बढ़वा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी समुदाय से आपकी ही पार्टी का एक कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनना चाहता है आने वाले समय में भी और अभी भी है, तो उसके खिलाफ आप खड़े हुए हैं, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आप उस पूरे समुदाय के खिलाफ हैं या एक शख्स के ही खिलाफ हैं? सिद्धू साहब जो है वो नहीं चाहते, उनको था कि मैंने आपको शायद याद होगा जब चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने थे तो सिद्धू साहब उनके कंधे पर हाथ रखते थे और चन्नी साहब हाथ झटक देते थे ऐसे करके, वो सारे मीडिया ने कवर किया। और उसके बाद उनको था कि मैं चन्नी उन्होंने सीएम साहब कभी नहीं बोला सिद्धू साहब ने, चन्नी ने ऐसा कर दिया, भाई ने ऐसा कर दिया, ऐसे बोल, ये उनका संबोधन रहता था। तो उनको था कि मैं सुपर सीएम हूँ, ये कुछ दिनों के लिए बनाया है चन्नी साहब को, इसके बाद मैंने आ जाना है। लेकिन चन्नी साहब जो है वो उनकी थोड़ी लोकप्रियता बढ़ गई, उन्होंने ऐसे ऐलान किए जो लोगों को चाहे वो बाद में लागू नहीं हुए, लेकिन जो ऐलान थे वो ऐलान पर ऐलान, उस पर एक बार उनकी लोकप्रियता बढ़ गई तो सिद्धू साहब को रास नहीं आई। और जब सिद्धू साहब को लोकप्रियता रास नहीं आई तो उन्होंने बोलना भी शुरू किया और उन्होंने सारे पास खोल दिए। जो सारे पास उन्होंने खोले हैं वो उसमें वो सब सत्य है, वो हम लोग भी उठा रहे थे। जैसे दलित विद्यार्थियों का वजीफा खाने वाले को अब दोबारा टिकट मिल गई है, अब देखो तो सिद्धू साहब भी कह रहे थे, हमने भी कहा भाई ऐसे ही जो रेत माफिया वाला है उसको भी टिकट मिल गई है, जिसने कोविड में धांधलेबाजी की है मशीनों के साथ टीके के साथ उसको भी टिकट मिल गई है। तो वो उनकी बात जो उन्होंने कही है कि आगे आगे अलीबाबा पीछे चोरों की बारात, वो तो सच साबित हो रही है। ठीक है अरविंद विद्रोही जी, सिर्फ गुरु रविदास जी की जयंती पर चुनावों को आगे बढ़ा देना काफी होगा या फिर एक बार फिर से चरणजीत सिंह चन्नी को ही मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए कांग्रेस को क्या करना है कांग्रेस तय करेगी, लेकिन जो अब कांग्रेस ये कही कि हमने देश में चन्नी को बना करके दलित का सबसे बड़े हितैषी हम हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि
कि कांग्रेस आला कमान ने चरणजीत सिमनी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया, दोनों ने दलित के हित का बड़ा कदम उठाया। तो कांग्रेस का जो पंजाब के अध्यक्ष है नवजोत सिंह सिद्धू, वो जब चन्नी पर अटैक करते हैं, चन्नी के सरकार के अधिकारियों पर अटैक करते हैं, तो क्या इसको जाति आधार पर यह नहीं कहा जाना चाहिए कि पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू जो है दलित विरोधी है? बिल्कुल। और इस चुनाव में जाने के बाद अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नेता के कांग्रेस से निकलने के बाद अगर कांग्रेस की वापसी होती है तो 5 साल चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पंजाब का कांग्रेस को बनाना चाहिए, नहीं तो ये अपने आप में सिद्ध हो जाएगा कि कांग्रेस ने पंजाब में चन्नी का इस्तेमाल केवल दलित वोटों को हासिल करने के लिए लिया और जब दलितों ने एक मुफ्त वोट दे दिया तो अपने मन के आदमी को कठपुतली मुख्यमंत्री बना दिया। सीधी सी बात है, अगर आज आपने दलित हितैषी का काम किया चन्नी बैठा के, तो इस सरकार में अगर कांग्रेस इस चुनाव में कांग्रेस को जनता चुनती है तो चन्नी को 5 साल सरकार में मुख्यमंत्री बतौर कांग्रेस को बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही चाहिए, अन्यथा वो दलित विरोधी कहलाएगा। ये वाली जो मजबूरी है वो इस समय पंजाब में सिर्फ कांग्रेस के लिए है या फिर बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी है? अब जैसे भाजपा के साथी ने कहा कि हम दलित मुख्यमंत्री चाहते थे, हमारा ये था प्रपोजल, तो उनको बनाना, वो अगर वो बनते हैं तो वो बनाएंगे, ये उनके ऊपर है। बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी के है ही अकाली, आम आदमी पार्टी अपना डिक्लेयर करने को उन्होंने कहा है कि हम पब्लिक से ओपिनियन मांगेंगे, हमने वो उन्होंने कुछ जारी कर दिया फोन नंबर वगैरह, उस पर लेंगे, अब पता नहीं कौन करेगा फोन कौन नहीं करेगा, लेकिन अब उन्होंने अपना दे दिया, वो तो केजरीवाल जी की अपनी राजनीति है। लेकिन सर वाकई में अब हमारा जो मतदाता है वो भी समझदार हो गया है, क्योंकि अगर जातिगत आधार पर ही लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे होते तो बसपा की इतनी दुर्गति पंजाब में नहीं हुई होती कि वो खाता तक नहीं खोल पाती अब तो पंजाब चुनावों में। हाँ, लेकिन वो जो सेंटीमेंट्स होते हैं, देखिए इस संविधान में, और हम परिवार की भी बात करें, परिवार में हर व्यक्ति जो है एक ही परिवार में हर व्यक्ति चाहता है कि हम योगदान दें और हमको जो है कुछ खाने को मिले, हमको कुछ अधिकार मिले। तो इसी तरह हमारे समाज में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पत्रकार भी थे, सोशलिस्ट मूवमेंट के बड़े व्यक्ति, उन्होंने भी कहा था कि समाज को जोड़ना है, जाति तोड़ करके समाज को जोड़ना है। तो जाति टूटेगी कैसे? जब जाति में संविधान की व्यवस्था के तरफ से सारे जातियों को अधिकार मिल जाएगा, सारी जातियां एक साथ आ जाएंगी, समता समानता इक्विलिटी के उसमें, तब जातियां टूट जाएंगी, समाज इकट्ठा हो जाएगा, भारतीय समाज इकट्ठा हो जाएगा, सनातन इकट्ठा हो जाएगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। इसलिए अगर दलित लीडरशिप बढ़ती है तो उसमें कोई इतराज नहीं, बढ़ाना चाहिए सबको, क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए। दलितों का बड़ा योगदान रहा है, दलितों ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के हमारे आज आर्थिक उन्नत में दलितों का फोरम बना है, आर्थिक सबका योगदान है, लेकिन सबको अधिकार के साथ साथ कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, जातीय गौरव होना चाहिए, जातीय विद्वेष नहीं होना चाहिए, वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, जातीय गौरव। सही कह रहे हैं आप किस बात से मैं एकदम शत प्रतिशत इत्तेफाक रखती हूँ सर। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अमृत गिल जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमृत जी स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मैम, रविदास जी की जयंती को लेकर चुनावों की तारीख आगे बढ़ा दी गई है, इस फैसले का हर किसी ने स्वागत किया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को अब अपनी पार्टी के लिए औपचारिक तौर पर सीएम चन्नी का नाम घोषित कर देना चाहिए कि आगामी विधानसभा चुनावों में एक तो उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ाया जाएगा, उसके अलावा सीएम भी वही बनेंगे। देखिए, ये पार्टी हाईकमांड का फैसला है कि पार्टी हाईकमांड अगर यूनाइटेड फेस 3 लीडर्स को लेके आना चाहती है तो ये हमारी खुशकिस्मती है और पंजाब की भी खुशकिस्मती है। सीएलपी बाद में डिसाइड करेगी कि लीडर किसको बनाना है, चीफ मिनिस्टर किसको घोषित करना है, और ये बहुत अच्छी बात है कि चुनाव आयोग ने डेट को 14 फरवरी से 20th किया है, क्योंकि हमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी के सेंटिमेंट का ख्याल रखते हुए सबसे पहले चन्नी जी ने, हमारे सीएम साहब ने रिक्वेस्ट डाली थी चुनाव आयोग ने, और फिर बाकी सारी पार्टियों ने भी समर्थन दिया, और हम इस चीज का स्वागत करते हैं कि चुनाव आयोग ने भी इसकी
इसको समझा कि यस ये बहुत जरूरी है और पंजाब एज अ स्टेट जहाँ पे हम ऊंच नीच जात पात दलित एंड ये इसको नहीं देखते, ये यहाँ पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे पोलराइजेशन नहीं हो पाती, इसीलिए पंजाब में बीजेपी एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए अभी आपने जैसे बोला बीएसपी, अगर तो हम 33% हमारे दलित वोटर भाईचारा है, तो अगर ऐसा होता कि जात के आधार पे या कास्ट के बेसिस पे इलेक्शन होते और तो बीएसपी कम से कम 33% 30 सीट तो लेके जाती, पर ऐसा नहीं है। हमारी गुरुओं की जो सीख है जिससे हम चलते हैं कि सभी ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सभी एक बराबर है और हम इस चीज में ज्यादा विश्वास नहीं करते। पर हाँ, क्योंकि इस एक कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं और वो दुविधा में ना पड़े कि यहाँ वोट देना भी बहुत जरूरी है, 5 साल के बाद हम है ना, हमारा प्रजातंत्र में ये दिन आता है कि हम अपने लीडर्स को खुद चूज करते हैं और वहां जाना भी उनके रिलीजियस सेंटिमेंट से जरूरी है। तो इस चीज को चुनाव आयोग ने ध्यान से इसकी महत्वपूर्णता देखते हुए इस ये डिसीजन को कांग्रेस वेलकम करती है और कांग्रेस स्टैंड्स विद एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी इज इक्वल और सभी धर्मों का हम स्वागत और सत्कार करते हैं जाता है। और राजनीतिक पंडितों का भी ये कहना है कि दलित समुदाय जो है 2012 के बाद से 4 पार्टियों में बढ़ चुका है पंजाब में, इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। और एक बड़ी वजह ये खुलकर सामने आई है कि ये जो समुदाय है किसी एक पार्टी की विशेष विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखता, इसलिए अलग अलग धड़ों में बटा हुआ है। अब आप उसे कितना एकजुट कर पाएंगे सीएम चन्नी के सहारे? देखिए, सीएम चन्नी केवल एक वर्ग के सीएम नहीं है, उन्होंने उनकी लोकप्रियता हर वर्ग में बढ़ी है और एक कुछ कम्युनिटी उनको अपना, जैसे पूरा पंजाब ही उनको अपना लीडर मानता है, सीएम मानता है, साडा चन्नी साडा चन्नी, इट्स लाइक एवरीबॉडी से हो, तो इट्स लाइक पॉपुलैरिटी बढ़ी है तो हमें बेनिफिट भी होगा फॉर श्योर। एंड इट्स नॉट लाइक कि हम आज कांग्रेस में जैसे ऐसी कैंडिडेट जैसे चन्नी जी हैं उनको दिया है, हमने 1960 में भी इंडिया में सबसे पहले जो अनुसूचित जाति या एससी से अगर सीएम कोई आंध्र प्रदेश में कांग्रेस से बने थे हिंदुस्तान की तारीख में और सीएम चन्नी जी भी है, तो हम लोग ऐसे भेदभाव नहीं करते। इसका इफेक्ट जरूर होगा क्योंकि उन लोगों को हर वर्ग को उनके डिसीजन से पॉलिसी मेकिंग से बेनिफिट हुआ है, तो डेफिनेटली कांग्रेस एक्सपेक्ट कि वो लोग हमारे साथ खड़े होंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। कुलदीप जी, आप तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप लोगों ने तो बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था और मन बना लिया था कि पंजाब का कोई सीएम हो तो वो इसी समुदाय से आता हो। अब आप लोग इस बात की कब औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे कि हमारा जो सीएम होगा अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो इसी समुदाय से होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये मैं बता दूं कि जो माननीय राष्ट्रपति है वो दलित समाज से है, वो भारतीय जनता पार्टी से, और अगर पंजाब में सीएम की बात चलाई वो भी हमने चलाई, मैंने जैसे बोला। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी 2 पार्टियों के साथ हम लोग गठजोड़ में हैं, तो अभी जो सीएम का बात पहले हम लोग जो कर रहे थे हम उसी पर कायम हैं। जो हमारे साथी जो 2 हैं उनकी जो राय लेकर जो पार्लियामानी बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि हम आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि पंजाब में हमारे पास बड़े कद के जो दलित नेता है वो हैं ऑलरेडी। आपको मैं आपके दर्शकों के ध्यान में ला देता हूं कि हमारे पास जो है हंसराज हंस जी हैं, सांपला जी हैं, तो मतलब बड़े कद के नेता हैं और संगठन में भी बड़े अच्छे लोग हैं जो आगे आ सकते हैं आने वाले समय में। नहीं, बीजेपी चाह रही थी ना कि मुख्यमंत्री जो है पंजाब का वो दलित समुदाय से बने, तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है औपचारिक रूप से घोषणा करने में? अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं किसी समुदाय के लिए, पूरे पंजाब के लिए, और किसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी तो आपको तुरंत ऐलान कर देना चाहिए सर। आपके पास बड़े नेता होंगे, उसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा भी तो होना जरूरी है ना। हमारी तरफ से क्लियर था और आज भी हमारा जो पार्लियामानी बोर्ड है उसका स्टैंड क्लियर है, लेकिन 2 साथी और आ गए हैं अभी, तो उनको साथ में लेकर ही जो है अभी आगे बढ़ा जाएगा।
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उनके साथ बनाया जाएगा, हमारा स्टैंड वही रहेगा। बिल्कुल, अब तो राजा जी आ गए हैं आपके साथ, अब देखें राजा जी किसे अपना राजा बनाते हैं। ये तो बड़ी बात है ना कि राजा कैसे कह दे कि किसी और को मैं अपना राजा बना लेता हूं। अरविंद विद्रोही जी, सर दलित समुदाय को लेकर हम जो इतनी बातें कर रहे हैं लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं बोल पाता कभी भी। देखिए सब लोग बोल रहे हैं और कोई आप जैसे आपने कहा खुल के नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए भाजपा के साथ क्या हो गया है कि भाजपा के साथ दो उनके सहयोगी आ गए हैं। अब सहयोगी दलों में की भी अपनी महत्वाकांक्षा है, तो मुझे लगता है कि जीत के आने के बाद किसकी कितनी सीटें रहती है और बड़ा भाई छोटा भाई कौन होता है, सीटों जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो फार्मूला वहां चलेगा। और अभी सीधा सा देखिए अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री दलित दिया और खुद उन्होंने कहा कि दलित दिया। अब अगर उनके चन्नी के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस को वहां पर पूर्ण बहुमत मिलता है तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस की रहेगी कि वो चन्नी को कंटिन्यूअस करें। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं करते हैं तो ये दलितों के साथ धोखा होगा कि आपने चन्नी को आगे करके दलितों का पंजाब में वोट ले लिया और मुख्यमंत्री बना दिया आलाकमान ने अपनी मर्जी से। तो ये नहीं चलना चाहिए लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। आलाकमान का मतलब ये नहीं है कि अपने जेब से किसी को भी निकाल करके आपने कह दिया कि ये लिया हाजिर। तो जनता के प्रति जवाबदेही आप बता दीजिए। कांग्रेस कह दे कि नहीं हम जो है सरकार हमारी चरणजीत चन्नी बस अभी तक के लिए थे, अभी तक के लिए है, चुनाव के बाद हमारे जो जीत के आएंगे हम दिल्ली से तय करेंगे। इसको जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस काला कमान कर दे। नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू तो अभी तीन चार दिन पहले ये बयान सर मीडिया में देकर गए हैं कि किसने कहा कि आला कमान मुख्यमंत्री तय करेगा। ये तो जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है। नहीं, जनता 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 विधायकों को चुनती है, जनता मुख्यमंत्री नहीं चुनती है। जनता अगर मुख्यमंत्री सीधे चुनने लगे तो सिद्धू सरीखे लोगों को, हमको लगता है जो कॉमेडी सर्कस देखने वाले लोग हैं केवल उनका वोट मिलेगा। सीजन्ड पॉलिटिशियन है और नहीं क्रिकेट जगत में भी बात, तो सिद्धू जो वहां क्रिकेट भी खेलते थे तो अपने वहां के भी कप्तान से अजहरुद्दीन कप्तान थे उनको उनके किसी बात पर नाराज होकर के विदेश से चले आए थे। तो कुछ लोग होते ही इस तरह कि केवल मैं हूं मेरे अलावा कोई नहीं है। कल को ये ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही कांग्रेस इनको झेलती रही तो कल तो ये किसी बात पर राहुल गांधी से भी नाराज होकर राहुल गांधी को छोड़ के चले जाएंगे। जिस भाजपा ने इनको स्नेह दिया, जिस भाजपा ने इनको बढ़ाया उसको छोड़ दिए, अब कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। तो चलिए सर, अभी तो बस यही उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में पंजाब की भावनाओं के साथ ना खेला जाए, पंजाब की जनता को धोखा ना मिले। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो पंजाब में चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी है। बड़ी वजह यही है कि गुरु रविदास जी की जयंती है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस दलित समुदाय को साधने के लिए इतना बड़ा कदम तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा उठाया गया है कि क्या यही राजनीतिक दल पंजाब के लिए किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर उतारेंगे, ये भविष्य के गर्त में फिलहाल छुपा हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।